दोस्तों यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है वो ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 13 से। चलो ध्यान से इस तस्वीर को देखते हैं और कुछ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम इस तस्वीर में ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि जो ये नदी बहती हुई आ रही है पहाड़ों से शहर तक, उसमें कितने बदलाव जो है वो हो रहे हैं। जरा देखिए कि जहां से नदी निकलना शुरू हो रही है वहां पानी का रंग कैसा है। वॉट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिन्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नदी जो है यहां से शुरू हो रही है और पहाड़ों से निकलते हुए वो नीचे की ओर आ रही है, लेकिन यहां पर इस हिस्से में नदी का रंग जो है वो हमें नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से करीब से देखें तो कोई रंग नहीं है, पर आसमान की छाया से नीला दिख रहा है। There is no color but looks like blue due to the reflection of the sky। तो आसमान की जो छाया नदी में पड़ रही है इस ओर, वहां पर पानी का रंग जो है वो नीला दिखाई दे रहा है क्योंकि पानी इतना साफ सुथरा है। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि नदी में पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और क्यों। At what places did the color of the water in the river change? Why? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक पानी का रंग एक है। तो यहाँ पर जब ये फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हुई इस तरफ और थोड़ा यहाँ पर जब वो गांव के पास नदी पहुँची तो पानी का रंग जो है वो बदल गया। यहाँ पर थोड़ा मैला हुआ और यहाँ पर आकर काफ़ी जो रंग है वो बदल गया। काला रंग, गाढ़ा नीला रंग, हरा रंग, पता नहीं कितने रंग हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों और कहाँ पर रंग बदला? नदी के पानी का रंग गांव और शहर के पास बदल गया। गांव और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे से नदी के पानी का रंग बदल गया। द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर द विलेज एंड टाउन्स। इट चेंजेस ड्यू टू द वेस्ट फ्रॉम द विलेजेस एंड द फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर गाँव के कचरे से और यहाँ पर फैक्ट्रियों के कूड़े करकट से नदी का रंग जो है पानी का रंग बदल गया। अब बताइए जरा, नदी में कहीं मछलियाँ ज़्यादा हैं तो कहीं कम, ऐसा क्यों? At some places there are many fishes in the river, at others there are only a few, why? अगर हम देखें इस तरफ पहाड़ की तरफ, यहाँ नदी में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा है, फिर इस तरफ गांव के पास मछलियाँ जो है वो कम हो गई और अंत में आते आते शहर के पास मछलियाँ बिल्कुल ख़त्म सी हो गई या फिर मर ही गई, ऐसा क्यों हुआ? जहाँ से नदी बहनी शुरू हुई वहाँ नदी का पानी बहुत साफ है, इसी कारण वहाँ ज़्यादा मछलियाँ हैं। गांव के पास नदी का पानी थोड़ा गंदा हो गया जिस कारण वहाँ मछलियाँ भी कम हो गई। शहर में फैक्ट्रियों के कूड़े से नदी का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया जिस कारण वहाँ या तो बहुत कम मछलियाँ बची या मछलियाँ मर गई, जो कि हमने यहाँ तस्वीर में भी देखा। सो द रिवर वाटर इज़ वेरी क्लीन वेयर इट बिगिन्स, दैट्स वाई देर आर मोर फिशेज देर। द वाटर बिकम्स लिटिल डर्टी नियर द विलेज ड्यू टू विच द नंबर ऑफ फिशेज ऑल्सो डिक्रीजेस। द वाटर बिकम्स वेरी डर्टी ड्यू टू द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज नियर द सिटी ड्यू टू विच ईदर वेरी लेस फिशेज आर लेफ्ट और दे डाई, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे फिशेज जो हैं वो मर गई। अब जरा सोचिए और बताइए, हमने नदी का पानी अलग अलग जगहों पर देखा, पहाड़ के पास, यहाँ गाँव के पास, फैक्ट्रियों के पास, यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा, यहाँ पर थोड़ी गंदगी बढ़ी, यहाँ पर तो नदी के पानी का रंग ही बदल गया। अब जरा यह देखते हुए बताइए कि अगर आपको नदी का पानी पीना हो तो किस हिस्से से पियोगे? इफ यू हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर फ्रॉम विच पार्ट विल यू ड्रिंक? मुझे तो पता है मैं कहाँ से पीऊंगी। नदी जहाँ से शुरू हो रही है मैं वहां से पानी पीऊंगी क्योंकि वहां पानी बहुत साफ है। आई विल ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पार्ट वेयर द रिवर इज बिगिनिंग बिकॉज इट इज वेरी क्लीन देयर। यहाँ पर इट इज वेरी क्लीन, पहाड़ के पास जहाँ से नदी शुरू हो रही है पानी यहाँ बहुत साफ है, इसी कारण मैं यहाँ से पानी पीऊंगी। तो दोस्तों हमने देखा
कि नदी जब बह रही है और अलग अलग जगहों से होती हुई आ रही है, तो कहीं पानी जो है वो बहुत साफ है तो धीरे धीरे कहीं कहीं वो गंदा हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि नदी का पानी गंदा होने के कारण क्या क्या होता है। What happens when the river water gets dirty? हमने अभी अभी देखी कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है जब नदी का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि नदी के पानी का रंग बदल जाता है, द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंजेस। जैसे कि पहाड़ के पास नीला रंग हमें दिखाई दे रहा था क्योंकि कोई रंग नहीं था तो आसमान का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा था, वहीं गांव के पास रंग बदला और फैक्ट्रियों के पास तो पूरा रंग ही बदल गया। नदी से बदबू आती है, बैड स्मेल कम्स फ्रॉम द रिवर, क्योंकि गंदगी बढ़ेगी और रंग बदलेगा तो यहाँ पर बदबू भी आएगी जब उसमें कूड़ा करकट जो है वो मिलेगा। मछलियाँ कम हो जाती हैं या मर जाती हैं, नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीजेस और दे डाई। जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि पहाड़ के पास ज़्यादा मछलियाँ, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते जहाँ जहाँ पानी गंदा होता गया वहाँ मछलियाँ कम हो गई या मर ही गई। पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स गेट रिड्यूस्ड। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और यहाँ सबसे कम, क्योंकि यहाँ कूड़ा सबसे ज़्यादा है नदी में, सबसे ज़्यादा गंदगी है, साथ ही पानी पीने लायक नहीं रहता, वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। हमने देखा था ना, हमने जब चूज किया कि हम कौन से हिस्से का पानी पियेंगे तो हमने यहाँ का हिस्सा जो है वो चुना, क्योंकि यहाँ तो पानी बहुत ही गंदा है लेकिन यहाँ साफ है। तो जब पानी गंदा होता है नदी का तो वो पीने के लायक नहीं रहता, और क्योंकि पानी पीने लायक नहीं रहता और अगर हम उसे पियेंगे तो बीमारियां फैलती हैं, कॉजेस डिजीज। अगर हम गंदे पानी को पिए, रिवर वाटर अगर गंदा हो जाए तो उसके कारण बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी चीज़ें देखी इस तस्वीर को देखते हुए और अपने आप से भी कि नदी का पानी गंदा होने के कारण क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द रिवर वाटर गेट्स डर्टी। आप भी अपने आसपास देखना कि क्या आपके पास कोई नदी बहती है और क्या उसका पानी साफ है या गंदा, और यदि गंदा है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं।